हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। सबसे पहले आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो रोहित कुमार सिंह हैं, जो कि यूपीएसआई 2017 में फाइनली सेलेक्टेड हैं और इस समय वाराणसी में एज ए सब इंस्पेक्टर पोस्टेड हैं। और आज के सेशन का जो हमारा मूल उद्देश्य है वो ये है कि बहुत सारे बच्चों को डीवी, पीएसटी और पीईटी के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट हैं। कुछ बच्चों को डॉक्यूमेंट्स को लेकर डाउट है, कुछ बच्चों का फिजिकल स्टैंडर्ड को लेकर डाउट है, कुछ बच्चों का कि कैसे हम तैयारी करें, ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं। और हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत सारे बच्चों ने हमें कमेंट करके, पर्सनली हमें कमेंट करके बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे हैं। तो आज उन सारे क्वेश्चंस का एकदम सटीक जवाब, जिससे आपकी वास्तविक मायने में हेल्प हो सके, उन सारे क्वेश्चंस का जवाब हम रोहित सर से ले रहे होंगे। तो ज्यादा लेट नहीं करते हैं, हम आज के सेशन का स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम रोहित, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। और आप लोगों को एक चीज और भी मैं सर बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी आपके बहुत सारे कमेंट्स का जवाब हम पूछते रहे हैं, तो हमेशा से हमें सही जानकारी का जो सोर्स था हमारे रोहित ही थे। तो चलिए फिर आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो हम शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे। हमारे सबसे पहला मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, राहुल चहर जी ने पूछा है कि अगर सर फीमेल कैंडिडेट का वेट 36 किलोग्राम है तो क्या उसे फेल कर दिया जाएगा? सर फीमेल कैंडिडेट का जो मिनिमम रिक्वायर्ड वेट है वो 40 kg है, तो 36 kg का जो भी कैंडिडेट होगा या उससे कम का जो भी कैंडिडेट होगा वो फेल माना जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में। सलाह तो इसके लिए, इनके लिए अगर कोई सलाह देना हो तो ये डीवीपीएसटी में जाएंगे या है ना जाएंगे? डीवीपीएसटी में जाएं, डाइट को अपनी इंक्रीज करें, कोशिश करें कि डाइट अच्छी हो, और अगर कुछ कमी रह जाए तो कुछ खान पान से ही ये कमी दूर हो सकती है, और तो कोई रास्ता भी नहीं है। और कुछ इनके लिए है नहीं सर, ये मेनली खाने डाइट पे ध्यान दें। डाइट अगर अच्छी कर लेंगे तो मुझे लगता है भी इनफ टाइम में शायद डाइट बढ़ा के कुछ वेट गेन किया जा सकता हो, तो उसके बाद इनको थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। बिल्कुल, अगर 25 तारीख से इनका है तब तो समय नहीं है, लेकिन अगर सेकंड फेज में डीवीपीएससी है तो समय है, तो शायद कुछ हो सकता है। तो उम्मीद है सर राहुल जी एक बार आपको इनको पता है। जाना जरूर चाहिए होगा, चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन होती है, 19-20 का फर्क होता है। थोड़ा सा खुद भी कुछ खा पी रहे ही होंगे ये ऑलरेडी, जो है कुछ मेंटेन करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो शायद अगर कुछ 10-15 दिन का टाइम मिले तो इनको पूरा कॉन्सेंट्रेशन अपने डाइट पे करना चाहिए, अन्य चीजों को छोड़ के जो है। ओके तो राहुल जी, उम्मीद है आपको जवाब भी मिल गया होगा, और अल्टीमेटली आपको जाना जरूर है, आपको डीवीपीएसटी स्किप नहीं करना है। और कोशिश करिए, अगर आपके पास कुछ टाइम मिल रहा है, आपका सेकंड फेज में है, तो मेहनत करिए, डेफिनेटली आपके पास चीजें कुछ अच्छी होंगी शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन रितिका जी ने पूछा हुआ है, और उन्होंने पूछा है कि सर नौकनी लड़कियों के बीच में भी चेक होता है क्या? नौकनी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए इम्पोर्टेंट है। नौकनी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है रनिंग में। अगर रनिंग करता है जिसको नौकनी के इश्यूज हैं वो गिर सकता है नीज के टकराने की वजह से, इसलिए हर जो भी फोर्स है वो सब में नौकनी टेस्ट होता है, और यहाँ भी टेस्ट होगा, वो भी पास करना जरूरी है। और अगर जिनको इस तरीके की समस्या है तो मेडिकल गाइडेंस ले सकते हैं किसी डॉक्टर या किसी एक्सपर्ट से जो है। और साथ ही साथ जो यूनिवर्सली माना जाता है कि हम पिलो यूज कर सकते हैं सोते टाइम, या इस तरीके कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं। आप एक्सपर्ट की सलाह लेके अगर जिसको ये समस्या है तो वो ये चीज दूर की जा सकती है, क्योरेबल है सर। ओके, यहाँ पर मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा कि बेसिकली डीवीपीएससी के दिन होगा क्या, उस दिन क्या क्या हो रहा होता है, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं, तो हम पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोसेस क्या होगा उस सर दिन। डीवीपीएसटी वाले दिन प्रोसेस ये होगा कि ये लोग अपने डीवीपीएसटी, सबसे पहले बता दूं, एक साथ होता है यूपी पुलिस में, ठीक है। और डीवी वाले दिन आपको डॉक्यूमेंट्स अपने ले जाने हैं, लाइक जो भी आपके हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन, डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, डिग्री भी ले जानी है, ठीक है। नहीं होगे तो उसके ऑल्टरनेटिव हम अभी आगे जाके बात करेंगे, डिग्री लेके जानी है, जो भी अपने सर्टिफिकेट वो लेके जाने हैं। कई बार यूपी पुलिस में गस्टेड ऑफिसर से अटेस्ट करा के मंगा लेते हैं, कई बार हम उनका मानना ये होता है कि जो डीवीपीएसटी है वो अटेस्ट नहीं करा पाए जो कैंडिडेट, को वो अपना सेल्फ अटेस्ट करा सकता है। इस तरीके से जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है। पीएसटी पहले डीवी हो जाएगा, उसके बाद पीएसटी हुआ। पीएसटी में आपका हाइट, लड़कियों के लिए वेट, लड़कों के लिए वेट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लड़कों के लिए चेस्ट,
ये सब प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएंगे, उसके बाद डॉक्टर्स का एक पैनल बैठा होगा जो एक्सपर्ट्स होते हैं अपने अपने फील्ड में, ऑर्थो एक्सपर्ट होते हैं, आई एक्सपर्ट होते हैं, ईएनटी एक्सपर्ट बेसिकली हम कह सकते हैं, ईयर नोज टंग ये एक्सपर्ट होते हैं, आई एक्सपर्ट होते हैं जो आपका कलर ब्लाइंडनेस और आई चेक करते हैं, विजन चेक करते हैं, और इस तरीके से ये सारा प्रोसेस एक दिन में ही पूरा होता है। तो डीवीपीएसटी का ये पूरा एक तरफ से प्रोसेस होता है आपका। ओके, तो उम्मीद है सारे लोगों को जो भी हमारे व्यूवर देखेंगे उनको जानकारी मिल गई होगी कि डीवीपीएसटी के दिन होता क्या है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ब्रजेंद्र जी हैं और इनका क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों का डाउट, चूंकि पर्सनली भी मुझसे पूछा हुआ है, लोगों ने पूछा हुआ है कि सर हाथ पर टैटू है और उसमें भी नेम लिखा हुआ है तो छोटा सा, तो इस केस में क्या होगा, क्या डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा या क्या होगा? देखिए पुलिस फोर्स में जो टैटू वाला है तो टैटू आपका विजुअल एरिया पे नहीं होना चाहिए, जितने में आपकी वर्दी होती है उतने में आपका विजुअल नहीं होगा, तो टैटू भी कोई इशू है नहीं। कई जगह इग्नोर भी कर लेते हैं, कई जगह इसको इशू भी के तौर पे भी लिया जाता है, लेकिन जो कॉमनली चीज चलती है वो ये है कि आपके विजुअल एरियाज में टैटू नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तरीके का कुछ लोगों का टैटू होता है जो किसी रिलीजन ओरिएंटेड होता है और वो ऐसी सिचुएशन में गए जहां दंगा या इस तरीके कोई चीज चल रही है तो एक तरीके से टारगेट भी बन सकते हैं, तो इसलिए विजिबल एरियाज में नहीं होना चाहिए। और अगर विजिबल एरियाज में है तो आजकल सर बहुत सारी टेक्निक आ गई जिससे टैटू को मिटाया हटाया जा सकता है, तो कोशिश कर लेनी चाहिए कि अगर विजिबल एरिया में हो तो उस टैटू को हटवा लिया जाए। ओके, तो कुल मिला के विजिबल एरिया में है तो हटवाने की कोशिश करिए और अगर विजिबल एरिया में नहीं है तो कंसिडरेबल है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ये भी पूछना चाहूंगा, क्या कोई क्लियर गाइडलाइन है क्या टैटू के लिए? बहुत हद तक ऐसा होता है कि फेवर में इग्नोर कर लिया जाता है कि भाई चलो विजिबल एरिया माना किया जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस में जो विजिबल एरिया है वो हमारी वर्दी इस हैंड से ऊपर रहनी चाहिए, ठीक है, तो ये इसके नीचे जो भी है वो एरिया विजिबल ही है, ठीक है, तो क्लियर गाइडलाइंस यही है सर कि विजिबल एरिया स्पिन ना हो। ओके ओके ओके, तो उम्मीद है ब्रजेंद्र जी आपको जवाब मिल गया होगा। और हमसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हमारे एक स्टूडेंट है नम्रता, उन्होंने पूछा है और ये बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि डीवीपीएसटी के साथ ही मेडिकल होगा या फिर रनिंग के बाद मेडिकल होगा? सर मेडिकल का मैं बता देता हूँ कि मेडिकल का सर ऐसा है कि डीवीपीएसटी वाले दिन ही कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर मिलते हैं, वो एक काइंड ऑफ छोटा सा मेडिकल हो जाता है, प्रॉपर मेडिकल आपका ट्रेनिंग सेंटर में जाके ही होगा। आप जब ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे आपका आमद होगी, आमद कहते हैं सर उसमें, आमद होगी, और उसके बाद जो है आपका एक जर्नल काइंड ऑफ पीएसटी कह सकते हैं, मतलब हाइट वेट चेस्ट वहाँ ये होता है, उसके बाद टोलिया बना के मेडिकल के लिए ले जाया जाता है, जो वहाँ का पुलिस में एक एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं, पुलिस का अपना हॉस्पिटल होता है वहाँ एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं, वो वहाँ जाके आपका मेडिकल करेंगे, फिर आप जो है ट्रेनिंग का पार्ट बन सकते हैं। ओके, तो कुल मिला के एक लेवल का मेडिकल पीएसटी के दौरान भी होता है लेकिन फाइनल मेडिकल आपका रनिंग और इन सबके बाद ही। तो इस क्वेश्चन को भी चूंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा है तो मेरे ख्याल से सारे लोगों का जवाब इस क्वेश्चन का मिल गया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, वो दीपक पांडे जी हैं और इनका क्वेश्चन, ऐसे कई सारे लोगों का यही क्वेश्चन है, तो वो ये है कि अगर ज्वाइनिंग के समय क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की एनओसी लेना पड़ेगा क्या? ये क्वेश्चन है हमारे पास। सर एनओसी इम्पोर्टेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट को, एनओसी जरूरी है क्योंकि हम फॉर्म भरते टाइम उसमें मेंशन करते हैं कि हम ऐसी ऐसी सर्विसेज में हैं, तो हमें एनओसी जरूरी होती है। अगर इमीडिएटली एनओसी नहीं मिल पा रही है तो एक एप्लीकेशन लिख दीजिए कि मैं आगे फर्दर जो भी स्टेप्स होंगे या अपने ट्रेनिंग सेंटर में जाने से पहले आपको एनओसी प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन एनओसी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना फर्दर प्रोसीड नहीं करने देंगे। तो कुल मिला के ये है कि अगर इस समय नहीं है तो वो जा सकते हैं लेकिन अल्टीमेटली ज्वाइनिंग से पहले पहले जरूरी है। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एक स्टूडेंट हैं, इन्होंने पूछा हुआ है, इनका नाम है आकाश मौर्य और इन्होंने कहा है कि मेरे पास सिर्फ फाइनल ईयर की मार्कशीट है और हमारे पास प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट बनने का कोई प्रोसीजर नहीं है इनकी यूनिवर्सिटी में, तो उनसे ये पूछा गया है कि क्या विदाउट डिग्री ये जा सकते हैं या नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं आप लोग, विदाउट डिग्री जा सकते हैं, पर क्योंकि जो हमारी डिग्री है वो इसेंशियल है
फाइनली हमको हर हाल में देनी है, ट्रेनिंग सेंटर में जाने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड करनी है, अदरवाइज आपकी पात्रता रद्द करने जैसी चीजें आ जाती हैं। तो आप जाइए, एक 10 रुपए का एफिडेविट लेते जाइए, उसमें अपना मेंशन करा दीजिए कि मैंने अप्लाई कर दिया, एटलीस्ट अप्लाई तो कर ही दिया होगा लगभग जिसने, अगर जो DGPST के लिए जा रहा है तो उसमें मेंशन कीजिए कि मैंने अप्लाई कर दिया है और मुझे जैसे ही डिग्री अवेलेबल हो जाएगी तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। DGPST वाले दिन एक अप्लीकेशन ले लेंगे आपसे कि आप मुझे जैसे ही आपकी डिग्री मिल जाएगी या ट्रेनिंग से पहले आप डिग्री प्रोवाइड करा दोगे तो आपका कोई इशू नहीं होगा। आप जाइए, मेडिकल दीजिए, अपना डिग्री के लिए अप्लाई कर दीजिए, एक 10 रुपए का एफिडेविट लेके जाइए, नोटराइज एफिडेविट हो, और जाके वहाँ एक अप्लीकेशन ले लेंगे और आपको DGPST में आगे फर्दर दोबारा से आपको जब जरूरत होगी, जब अपना आप ट्रेनिंग सेंटर जाओगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स में वहां से आपने मांग लिया जाएगा तो आप वहां प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन आपको अल्टीमेटली डिग्री देनी ही देनी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को और इलेबोरेट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मैं कमेंट्स देख रहा हूँ बच्चों के, वो सेम टॉपिक पे है। अगर किसी भी बच्चे के किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, चाहे वो किसी के फादर के नेम की स्पेलिंग गलत हो गई या उसके नाम के आगे कोई टाइटल जुड़ा है वो टाइटल लिखना भूल गया है, या इस टाइप का अगर कोई भी डॉक्यूमेंट की दिक्कत है, तो इसके लिए अगर मुझे सिंगल मेजरमेंट बता रहा हूँ कि भाई ये एक मेजर है जो आपको करना ही करना है, तो वो क्या होगा? सर अगर किसी का नाम गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, टाइटल गलत हो गया, सर्टिफिकेट गुम हो गया, बहुत सारी चीजें हैं इस तरीके की होती हैं, इनका ओवरऑल एक ही सोल्यूशन होता है। वहां पे जो भी आपके ऑफिसर्स बैठे होंगे वो आपसे बोलेंगे कि आप एक एफिडेविट में आप उसको इस चीज को दर्शा दीजिए कि आपके इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स में इशू है, ठीक है। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स आपके वो आपसे एफिडेविट ले लेंगे, वहीं एक एप्लीकेशन लिखवाएंगे और उसमें ये मेंशन किया जाएगा कि मैं अपनी ज्वाइनिंग से पहले अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा दूंगा, करेक्शन करा लूंगा एंड ऑल, ये सारी चीजें मेंशन होंगी और उसके बाद आपको DGPST में आगे फर्दर पार्ट लेने दिया जाएगा, क्योंकि DGPST का PET होगा तो उसमें आपको पार्ट लेने दिया जाएगा। और अगर आप फाइनल ज्वाइनिंग तक नहीं दे पाते हो तो फिर आपको फर्दर आपकी UPPRBP का जो ऑफिस है लखनऊ में, वहां से जो है आपको फर्दर से परेशान होना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप ये सारा प्रोसीजर करा के डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने पे लग जाइए। तो कुल मिला के निष्कर्ष है कि अगर किसी भी तरह डॉक्यूमेंट्स में एनोमलीज हैं तो बेटर है आप एक प्रॉपर एफिडेविट बना के ले जाएं, तो वहां पर चीजें अभी के लिए फिलहाल कंसिडरेबल हैं। बाकी आपको टाइम दिया जाएगा, आप उस टाइम उस डेट तक अपनी चीजें करेक्ट करके और सबमिट कर लीजिए। चलिए ठीक है, ये जब आप काफी सारे चूंकि बच्चों का क्वेश्चन था तो उनका एक लाइन में सोल्यूशन ये है कि आप एफिडेविट बनवाइए प्रॉपर। नेक्स्ट ब्रजेश कुमार जी ने पूछा, और ऐसे ही ब्रजेश कुमार जी की तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एक क्वेश्चन है कि सर चेस्ट 1 सेंटीमीटर कम है तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए? सर बहुत अगर माइनर इशू है, 1 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का है, तो पहला तो अपने पास जितना समय है उसमें चेस्ट एक्सपेंशन से एक्सरसाइज वगैरह हम कर सकते हैं, और एक्सरसाइज से मुझे लगता है छोटा मोटा इशू तो रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन जिनको ये सब करने के बावजूद भी नहीं मिल रहा है तो एक नॉर्मल चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का मांगते हैं, और अगर आप थोड़ा कोशिश करके एक्सपेंशन करोगे तो लोग 8 और 9 सेंटीमीटर तक का एक्सपेंशन कर लेते हैं। तो आप थोड़ा सा चीट यूज कर सकते हैं उस जगह पे कि हल्का सा एयर लेके अपनी पहले चेस्ट नपवा दें, उसके बाद काफी सारा एयर इनहेल कर लीजिए और एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन उनको मिल जाए तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। और चेस्ट एक्सपेंशन के लिए भी मैं बता दूं, चेस्ट एक्सपेंशन आप चेस्ट निकाल के नहीं होता है, चेस्ट एक्सपेंशन होता है, जो एक्सपेंशन होता है वो आपका एयर इनहेल करके होता है। तो कुछ बच्चे जाते हैं वो अपना चेस्ट बाहर निकाल के सिर्फ रफली बाहर निकाल लेते हैं चेस्ट, और वो सोचते हैं कि हमारे ये एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन नहीं है। आप प्रॉपर एयर इनहेल करो फिर चेस्ट निकालो, तब एक्सपेंशन भी होगा। और सर ये बहुत कॉमन है कि 7 से 8 सेंटीमीटर इजिली एक्सपेंशन हो जाता है। तो ये बहुत काम की बात थी, इसको लेकर बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहा होगा कि पहले ही चेस्ट फुला लिया एंड ऑल, तो उस केस में उनको दिक्कत होगी। बहुत काम की बात बताई गई है, तो आई होप आप लोगों को डेफिनेटली इससे फायदा मिलेगा, जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट आरिफ खान जी ने पूछा DGPST कब है? खैर आपको पता होना चाहिए 25 तारीख से स्टार्ट है, 2 चरणों में है, तो ये क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है। अजय शर्मा जी का क्वेश्चन है कि सर हाइट 1 सेंटीमीटर कम है तो मैं DGPST में जाऊं या ना जाऊं? देखिए सर मैं यहाँ बता दूं, जो ये पुलिस जो स्टेट फोर्सेस होती हैं उनका बेसिकली पब्लिक इंटरेक्शन का डील है, ठीक है। उसमें छोटे मोटे चीज
आप कर सकते हो, डीवीपीएसटी में जाइए, आप छोटे मोटे चीटिंग कर सकते हैं, जैसे जिसकी कुछ हाइट कम है, जैसे कि हम भी हमारे सामने पीछे केस आया कि चेस्ट एक्सपेंशन वाला केस आ गया या नॉक नहीं आ गया, फ्लैट फुट आ गया, आप थोड़ी मोड़ी चीटिंग कर सकते हैं उसमें, क्योंकि आपको कोई पैरा फोर्स में नहीं जाना या आर्मी में नहीं है, आपका पब्लिक इंटरेक्शन वाला है, वहां आपको किसी किसी आतंकवादी या इनसे नहीं डील करना है, अपने ही लोगों से डील करना है, उनको समझाना है, आप उनको आप उनके साथ कोई भी तरीके की फाइट में इजिली आपको नहीं इन्वॉल्व होना है, तो आप उसमें छोटे मोटे चीट यूज कर सकते हैं। जिनकी हाइट कम है वो अपना हाइट नपवाते टाइम अपने तलवों को थोड़ा टाइट कर लें, फ्लैट नॉर्मल नपवाने में तलवे आपके दब जाते हैं, थोड़ी सी ताकत लगाए तलवों में, तो 1 सेंटीमीटर तक का बेनिफिट आपको मिल सकता है, वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन जो मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है वो 1 सेंटीमीटर तक का हो सकता है। तो जिनकी हाइट 167 सेंटीमीटर है वो अपने थोड़े तलवे टाइट कर सकते हैं, ठीक है, तलवों में थोड़ी सी जान लगा देंगे, टाइट कर देंगे तो फ्लैट होने की बजाय, क्योंकि सॉफ्ट होने की बजाय वो थोड़ा सा टाइट हो जाएंगे तो 1 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मिल जाएगा। या कुछ लोग और यूज करते हैं अपने हेयर्स वगैरह बड़े कर लेते हैं, वो भी एक छोटा सा चीट है जो लोग करते हैं, लेकिन है ना कि अभी क्योंकि जॉब्स के लिए इतनी मारामारी हो रखी है कि आप छोटे मोटे चीट आप कर सकते हैं और आपको करने भी चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको जवाब मिल चुका होगा अजय जी, तो आप ट्राई करिए, बाकी आप डीवीपीएसटी में जरूर जाइए, बाकी तो जो डीवीपीएसटी में आप सब लोग जाएं, आप लोगों को रियल में अपनी हाइट पता भी नहीं है, वहां जो हाइट नापी जाती है वो इलेक्ट्रॉनिक मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक स्केल होता है, जिसमें कि हम जो घर में नापते हैं उसमें और इलेक्ट्रॉनिक स्केल में काफी डिफरेंस होता है, आपकी हाइट बहुत ही एक्यूरेटली नापी जाती, कहीं कोई कमी नहीं रहती। मुझे लगता है जो घर में लोग 167 नापते वहां जाके 168.5 और 168.2 इस तरीके से हाइट निकल आती है, तो जाइए जरूर, सब लोग जाइए। ओके, तो सारे स्टूडेंट जिनका भी रिटन क्वालिफाइड है, अगर कुछ थोड़ी बहुत एनोमलीज है तो आप जाइए जरूर, बाकी तो जो होगा वो वहां पे डिसाइड होगा, रादर देन कि आप डीवीपीएससी बना गए, तो आप सब लोगों को जरूर जाना चाहिए। नेक्स्ट मेघा तिवारी जी ने पूछा है कि सर मेडिकल ज्वाइनिंग के टाइम होता है, तो ये ऑलरेडी जवाब हमें मिल चुका है कि हाँ बेसिक एक आपका मेडिकल इसी टाइम पे डीवीपीएससी के टाइम पे हो जाएगा, बाकी ज्वाइनिंग के टाइम पे तो आपका प्रॉपर मेडिकल होता ही होता है, तो वो जवाब हम दे चुके हैं। नेक्स्ट आकाश गुप्ता जी ने पूछा है, जिसका भी जवाब हम दे चुके हैं कि सर डीवीपीएससी वाले दिन ही नॉकनी चेक होगी क्या, तो आई थिंक ये हम जवाब दे चुके हैं कि यस उसी दिन चेक होगी, तो ये जवाब भी आकाश जी आपको मिल चुका होगा। अगला क्वेश्चन है कि सर मेडिकल रनिंग के बाद होता है या मेरिट होने मेरिट आने के बाद, ये शुभ जी ने पूछा हुआ है हमसे क्वेश्चन। सर जो रनिंग होगी डीवीपीएसटी के बाद होगी, डीवीपीएसटी जो कि एक काइंड ऑफ मेरिट तो आ चुकी है, एक तरीके की मेरिट आ चुकी है, जिसके लिए जो लड़के क्वालिफाई हैं डीवीपीएसटी प्लस पीईटी के लिए, ये जो मेरिट आई है वो डीवीपीएसटी प्लस पीईटी तीनों को लेती है, ठीक है। अब जो मेरिट आएगी वो फाइनल मेरिट होगी, जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट जितनी भी वैकेंसी है 9500 समथिंग वैकेंसी जो भी है उतनों की लिस्ट आएगी और वो फाइनल मेरिट कहलाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एक जो मेरिट थी वो आ चुकी है और एक जो फाइनल मेरिट है वो अभी आनी है, वो पीईटी के बाद बनेगी। ओके ओके, तो उम्मीद है ऐसा, चूंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था तो हमने एक क्वेश्चन का जवाब दे दिया है, तो सारे लोगों को आप लोगों को जवाब मिल चुका होगा। नेक्स्ट भी क्वेश्चन हमने कंसीडर किया हुआ, एक बार हम फिर से ले रहे हैं। नितिन जी ने पूछा कि सर मेरा एक डॉक्यूमेंट गलत हो गया है पर उसका मेरे पास ओरिजिनल है, तो मैं क्या करूं? तो इसका जवाब हमने ऑलरेडी दिया है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स को लेकर किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप एक प्रॉपर एफिडेविट बनाइए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइए और आपका कंसीडर कर लिया जाएगा। तो नितिन जी आई होप ये जवाब आपको मिल चुका है। अगला क्वेश्चन जो लाइफ पाथ ने पूछा है, अगेन सेम ही क्वेश्चन है कि मेडिकल डीवीपीएसटी के साथ नहीं होता है, पीटी के बाद होता है, हम ऑलरेडी जवाब दे चुके हैं, तो लाइफ पाथ आई होप आपको भी जवाब मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसमें हम टाइम लेके बात करेंगे, क्योंकि कई सारे बच्चों का क्वेश्चन है। सर मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं, बहुत ज्यादा परेशान हूं, ये संजय कुमार जी ने पूछा हुआ है। सर ये इशू आता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, नॉर्मली क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाता है दोबारा से, किसी तरीके से अगर वो लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है तो हमारी एडवाइस ये होगी कि आप अपना एडमिट कार्ड अगर निकालने में कैपेबल हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप एक दिन पहले जाइए, एक दिन क्या या जिस दिन डीवीपीएसटी शुरुआत हो रही है जिस लोकल आपके जगह पे आपकी नॉलेज में आपके जिले के जहां डीवीपीएसटी चल रहे हैं वहां जाइए, उनके पास आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑलरेडी होता है, वो आपको हेल्प करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन नंबर दिलाने में हेल्प कर देंगे, आप वहां जाके हेल्प ले सकते हैं।
ओके, तो जिन भी बच्चों का ऐसा प्रश्न है उनको यही सलाह है कि आप लोग पहले से जाइए, जहां पर भी डीवीपीएसटी के सेंटर्स से, हैं वहां पर आप बात करिए तो चीजें आपकी बन सकती हैं। अगर ऑनलाइन ओपन कर हाँ, दिया गया तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो प्री आप ऑफलाइन डिसाइडेड होता है, जाके। प्री ओके ओके, तो ये उम्मीद है कि संजय डिसाइडेड। जी आपको जवाब आपका मिल चुका होगा। अगला क्वेश्चन है डीवीपीएसटी के एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, तो फर्स्ट फेज के एडमिट कार्ड आ चुके हैं रुचिका जी, तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। वो आप लोग सारे लोगों से सजेस्टेड भी है कि आप लोग रेगुलर वेबसाइट विजिट करते रहिए, सारे अपडेट्स आपको वहां पर चेक मिलेंगे ही मिलेंगे। अगला क्शन हृदय नारायण जी और सचिन वर्मा, इन दो लोगों ने पूछा है, और इन दो लोगों के सिवाय ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का है कि सर स्पेक्स अलाउड है या नहीं अलाउड है, चश्मा अलाउड है या नहीं सर। अलाउड है। चश्मा मेरे साथ ट्रेनिंग करने वाले कुछ लड़के चश्मा लगाते थे, तो आपको विद ग्लासेस 6x6 एंड 6x9 होना चाहिए। आप चश्मा लगा रहे हो अथवा नहीं लगा रहे हो, अगर आप वहां पे कर पा रहे हैं। और फिर तो सर आजकल एक वो चल गया लेसिक लेजर करके, ठीक है, अगर आप हैं तो लेसिक लेजर करा सकते हैं और पूरी तरह से वो वैलिड भी है, कोई भी तरीके से वो आपको बाहर नहीं कर सकते लेसिक लेजर के ग्राउंड पे, तो आप लेसिक करा ले ज्यादा अच्छा होगा। बाकी मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहे थे लड़के, वो भी स्पेक्स पहनते थे, तो अगर आपकी 6x6 और 6x9 है आई तो आपको कोई इशू नहीं है, आप उसमें सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। तो हृदय जी एंड सचिन जी, जवाब आपको मिल चुका होगा कि 6x6 6x9 है तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज फिर आप लेजर टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन इसके बेस पे आपको डिस्कार्ड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट डिस्कार्ड नहीं क्वेश्चन किया जाएगा। अगेन पूछा हुआ है कि सर हमने फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड किया था और हमारे पास डिग्री नहीं है। जवाब हम ऑलरेडी दे चुके हैं कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाइए, यूनिवर्सिटी में जाके आप अप्लाई कर दीजिए कि हमें डिग्री चाहिए, उम्मीद है मिल जाएगी। अदरवाइज अगर नहीं मिलती तो आप एक प्रॉपर एफिडेविट लगा के, जो टाइम बाउंड टाइम आपको दिया जाएगा, आप उस टाइम में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, आप पूछा हुआ है शिखा जायसवाल, इन्होंने पूछा है कि सर फॉर्म में यूनिवर्सिटी नेम गलत हो गया है, क्या करें। तो मेरे ख्याल से इन सारे जितने क्वेश्चंस का जवाब भी यही है करेक्शन कि होंगे, प्रॉपर एक एफिडेविट लेके जाइए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइए और चीजें आपकी कंसीडर कर ली जाएंगी। एफिडेविट बहुत कर ली जरूरी है, जाएंगे। ज्यादा आपके लिए उससे हेल्प हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बढ़ रहा हूँ, सुजीत सिंह जी ने पूछा हुआ है, पूछा है कि सर प्रोविजनल डिग्री 2018 की नहीं निकल रही है, तो अगर ना ले जाए तो बाहर कर दिया जाएगा क्या। ऑलरेडी हम जवाब दे चुके हैं कि प्रोविजनल नहीं निकल रही तो आप एफिडेविट बनाइए। वैसे आप लोग एक बार ही प्रयास करिए अपनी यूनिवर्सिटी में कि भाई हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो मेरे ख्याल से कंसीडर कर सकती है। यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है, तो आप लोग प्रयास करिए, नहीं हो रहा है तो आप लोग एफिडेविट लेके जाइए, आपको डेफिनेटली वहां पे कंसीडर किया जाएगा और एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम के अंदर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करिए। अगला क्वेश्चन संदीप उपाध्याय, और ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन जो कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं प्रोफार्मा को लेकर, जैसे इनका क्वेश्चन ये है कि ईडब्ल्यूएस इंग्लिश प्रोफार्मा में है तो क्या उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ये क्वेश्चन पूछा है संदीप उपाध्याय जी ने। संदीप जी, आप ईडब्ल्यूएस प्रोफार्मा इंग्लिश में हो हिंदी में हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाइए, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा और कोई इशू नहीं होगा। प्रोफार्मा से सर कोई इतना इशू है भी नहीं, इंग्लिश हिंदी किसी भी फॉर्मेट में, बस आप उनको सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है जो आप प्रोवाइड करा रहे हो, बस दैट्स इनफ फॉर देम। कुल मिला के बस अगर वो डिजिटल जो आजकल बनता है, अगर वो लोकवाणी से बना हुआ है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तो कोई प्रमाणित है, तो दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह के कोई डॉक्यूमेंट दिक्कत में। नहीं। तो संदीप जी, उम्मीद है आपको जवाब मिल चुका होगा। अब अगला क्वेश्चन अंकित यादव जी ने पूछा है, ये क्वेश्चन शायद ऐसी गलतियां बहुत सारे बच्चों ने किया होगा इसलिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूं इनका। इनका क्वेश्चन है कि सर मेरा फॉर्म भरते समय कास्ट ओबीसी की जगह मैंने एससी कर दिया था, तो क्या आप मुझे बाहर कर दिया जाएगा। तो अंकित जी, आपका जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सीरियस है। आपके साथ दिक्कत ये है कि आपने एससी कैंडिडेट कर दिया है। अगर आप किसी भी तरीके से एससी कैंडिडेट के की तरफ से सिलेक्ट हो या एससी कैंडिडेट की सीट से सिलेक्ट हो तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अदरवाइज आप जाएंगे अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे और एज यूजल हम 10 रुपी का जो एफिडेविट की बात कर रहे हैं, एक्चुअली सर हम 10 रुपीज का एफिडेविट इसलिए भरते हैं या एफिडेविट इसलिए यूज करते हैं, 10 रुपीज का एक तो सबसे सस्ता इस तरीके से हो जाता है। एक तरीके से एफिडेविट की रिक्वायरमेंट ये है कि आपका ये घोषणा पत्र होता है सरकार को या इंस्टीट्यूशन को या जिसके लिए रिस्पेक्ट में भी आप लेते हैं कि मैं जो अब जो जानकारी दे रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, अगर मेरी जानकारी गलत पाई जाती है तो मेरे खिलाफ लीगल एक्शन किए जा सकते हैं, मैं इसके लिए वैलिड तैयार हूँ।
और मैं अपनी ये बेसिकली एक तरीके से अपना अंडरटेकिंग दे रहा हूँ कि भाई अब आगे मतलब मेरे से गलती हुई है और इस तरीके से इसलिए ये रिक्वायरमेंट है। तो हम अंकित जी के सवाल पे थे, तो अंकित जी के सवाल का आंसर ये है कि जो जो उनका जो इशू है वो एससी अगर कैटेगरी से वो सिलेक्ट हैं तो बाहर कर दिए जाएंगे, अदरवाइज वो अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट लेके जाएं, 10 रुपए का एफिडेविट लेके जाएं, उनका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है फॉर्म निकाला जाएगा, उसमें एससी को कट करके ओबीसी लिखा जाएगा, उसको अपडेट किया जाएगा, अगर वो ओबीसी कैंडिडेट की तरह किसी भी तरह से सिलेक्ट हो रहे हैं तो वो अंदर होंगे, अदरवाइज वो वहीं से डीवीपीएसटी से ही बाहर कर दिए जाएंगे और आगे फर्दर। अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूं तो वो यही कह सकता हूं कि अगर रिटर्न सेलेक्ट होने में इन्होंने एससी कैटेगरी का फायदा लिया है तब तो ये बाहर है, लेकिन अगर रिटर्न में इनके मार्क्स ज्यादा हैं और ये अपनी ओरिजिनल कैटेगरी से क्वालिफाई कर सकते हैं तो ये एक बार एफिडेविट और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लेके जाए, वहां पर कंसिडर हो सकता है। चलिए तो अंकित जी प्रॉब्लम तो सीरियस है, खैर सारे लोगों से भविष्य में कोई भी फॉर्म भरे तो ये सब गलतियां नहीं करनी चाहिए, फॉर्म भरने से पहले 4 बार देखना चाहिए। तो उम्मीद है अंकित जी आपको जवाब मिल चुका होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास सिद्धार्थ जी ने पूछा हुआ है, काफी बड़ा सा क्वेश्चन लिख रखा है। इन्होंने कहा है सर हमने बीकॉम की है ग्रेजुएशन में, लेकिन फॉर्म भरते समय डिग्री नेम में अदर इक्विवेलेंट टू साइंस हो गया है, क्या उससे कोई प्रॉब्लम होगी डीवी में, और अगर होगी तो उसका सलूशन क्या है? सर इन जो इनकी समस्या है कॉमन समस्या सी है कि फॉर्म भरते टाइम एक मिस्टेक हुई है और वो मिस्टेक चूंकि डीवी पीएसटी टाइम दिक्कत कर सकती है, तो उनका एक ही सोल्यूशन है, यूनिवर्सल सोल्यूशन जो हम बात कर रहे हैं कि एक एफिडेविट देंगे, एक एप्लीकेशन वहां पे लिखेंगे कि भाई मेरे से इस तरीके की गलती हो गई है, और वो उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में करेक्शन कर देंगे और उनकी जो मार्कशीट है वो ले ली जाएगी और करेक्शन उसमें वही लगा दिया जाएगा डीवी जहाँ पे इनका हो रहा होगा। ओके, तो सिद्धार्थ जी और सारे लोग जिनका भी ऐसी दिक्कत है हम रिपीटेडली इस बात को रिपीट कर चुके हैं तो आपको जवाब मिल चुका है। अगला क्वेश्चन जय पांडे जी ने पूछा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा है कि इज देयर एनी रनिंग डिस्टेंस ऑब्लिक टाइम रिलैक्सेशन फॉर ईएसएम ओवर 50 इयर्स, 50 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए क्या रनिंग डिस्टेंस या टाइम में किसी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन दिया जाता है क्या अगर ये ईएसएम कैंडिडेट है? सर किसी भी कैंडिडेट को, मेल कैंडिडेट को 4.8 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करनी करनी है, वो किसी भी एज ग्रुप का हो, या फीमेल कैंडिडेट को 2.4 किलोमीटर जो उनकी रनिंग है अपने 16 मिनट में वो उनको करनी करनी है, उनमें किसी भी तरीके का रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा किसी को भी, चाहे वो 40 इयर्स ऑफ एज के हों, 50 इयर्स हों और जस्ट 22 हों, 21 कुछ भी हो, कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा उनको, अपनी फिजिकल स्टैंडर्ड पूरा करना ही होगा। इवन आफ्टर जो अभी प्रमोटी जाते हैं, जो प्रमोशन होता है अपने विभाग में, उनमें भी कोई रिलैक्सेशन नहीं होता, उनको नॉर्मल रनिंग करनी होती है, 2-4 मिनट का रिलैक्स होता है, तो इसे एज एन फ्रेश कैंडिडेट के तौर पे लिए जाएंगे, कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। ओके, तो किसी भी कैटेगरी से या कुछ भी एडवांटेज ले रहे हैं, जो भी रनिंग के क्राइटेरिया है वो आप सब लोगों को फुलफिल ही कर रहे हैं, उसमें किसी तरह का कोई रिलैक्सेशन नहीं है। राहुल सचान जी ने एक क्वेश्चन पूछा कि सर इनकम सर्टिफिकेट लगता है क्या? नहीं सर, इनकम सर्टिफिकेट का कोई रोल नहीं है, अगर आप ईडब्ल्यूएस कर रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस अलग से बन जाता है, इनकम सर्टिफिकेट का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई इसका कोई रोल नहीं है। ओके, तो राहुल जी उम्मीद है जवाब मिल चुका होगा। दूसरा, जितने भी कैंडिडेट जो डीवीपीएससी के लिए जा रहे हैं, आपको जो लिस्ट मिली हुई है वहां से कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स में आपको अपना क्राइटेरिया फुलफिल करना है। अगला क्वेश्चन एक बड़ा इंटरेस्टिंग, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे नहीं पूछते लेकिन राहुल अक्षय जी ने पूछा हुआ है। उन्होंने कहा है कि सर रनिंग करते समय गला मेरा बहुत सूख जाता है, इसका कोई उपाय बताएं? तो अक्षय जी आपके सवाल का जवाब ये है कि मेरा भी गला सूखता था, ठीक है, तो मैं तो रनिंग टाइम एक चीज करता था जो मुझे तो फायदा देती थी, मेरी समझ है कि आपको भी फायदा देगी, कि आप शुरुआती रनिंग करो, जितना रनिंग कर रहे हो जब आपका गला सूखने लगे तो कोई मिंट वाली टॉफी यूज कर लें, तो उससे क्या होगा कि आपका जो मुंह का हिस्सा है उसमें एक तरीके का मुंह नहीं सूखेगा आपका, ठीक ठाक बना रहेगा, और मिंट वाली टॉफी की वजह से या उसकी हल्की सी शुगर की वजह से काइंड ऑफ एनर्जी भी मिलती है और इतना कोई दिक्कत भी नहीं करती है। तो मेरी सलाह ये है कि आप एक टॉफी यूज कर लें मिंट वाली रनिंग टाइम, वो भी पहले चक्कर से नहीं, जब आपका गला सूखना चालू हो तब से। तो ये बहुत काम की सलाह रही है और ये एक्सपीरियंस से आती है, तो जितने भी व्यूअर्स के साथ इस तरह की दिक्कत है आप लोग डेफिनेटली ये सारी चीजें ट्राई कर सकते हैं।
इसके साथ में एक दो चीजें रनिंग से रिलेटेड जो कि बहुत सारे डाउट है तो मैं अभी ही पूछ लेता हूँ। एक डाउट कई सारे बच्चों का वो ये आता है कि सर हमें टाइम नहीं पता अभी कि हमारी रनिंग कितने बजे होगी, और यूजुअली जो वो प्रैक्टिस करते हैं या तो वो सुबह प्रैक्टिस कर रहे हैं या वो शाम को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या इस स्ट्रैटेजी में कोई परिवर्तन करना चाहिए या किस तरीके से तैयारी करें, क्योंकि रनिंग किसी भी टाइम हो सकती है। सही है, बहुत ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज पूछी, क्योंकि रनिंग जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आप मेरी नजर में सर सबसे जो टफ पार्ट है पुलिस का या एसआई का वो रनिंग ही है। इसलिए टफ है क्योंकि आप 200 लड़कों के साथ जब रनिंग कर रहे होते हो तो कई जगह आपका मोराल डिस्टर्ब होता है, कई जगह आपको आप जब नॉर्मल रनिंग कर रहे होते हो तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह नहीं मिलते, लेकिन 200 लड़के साथ में रनिंग कर रहे हैं तो थोड़ी देर तक ऑब्स्ट्रक्शन मिलते हैं आपको, एक साइड होके दौड़ना पड़ता है, एक तरफ इस तरफ उस तरफ होके रनिंग करनी पड़ती है, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसे लोगों के लिए जो रनिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप रनिंग करिए जो है। और रनिंग के लिए मेरी सलाह ये है कि जब आप रनिंग करने जाएं तो पहला जो सर्कल लें वो पूरा करने के बाद ही वन काउंट करें। स्टॉप वॉच सब लेके जाएंगे, वॉच ना ले जाने की गलती मेरा एक फ्रेंड झेल चुका है और आज भी तैयारी कर रहा है। सर बहुत अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी जो है वो रनिंग मैंने कहा कि भाई आप ऐसा करना कि आप स्टॉपवॉच लेते जाइएगा, और वो स्टॉपवॉच नहीं लेगा और मात्र 6 सेकंड, और मेरे से आज भी मिलता तो कहता है रोहित मैं 30 सेकंड बचा सकता था अपने, लेकिन मैं 6 सेकंड से बाहर हो गया। क्यों? क्योंकि कोई टाइम बताने वाला नहीं था। तो आप स्टॉपवॉच लेके जाइए, आप अपना रनिंग का सर्कल जब शुरू करिए रनिंग तो सर्कल कंप्लीट करने के बाद रनिंग चालू करिए। अब आते हैं हम जो डे और कि किस टाइम रनिंग करनी चाहिए हमको, तो हम प्रैक्टिस टाइम जो हमारा टाइम है प्रैक्टिस का, वो नॉर्मली अर्ली मॉर्निंग लोग उठ जाते हैं 5-6 बजे और जाके रनिंग करते हैं, लेकिन जो वहाँ ट्रेनिंग सेंटर्स में जो सॉरी जहाँ पे रनिंग होती है सेंटर्स में पीएसी और इस तरीके की लाइन पुलिस लाइन्स में होती है रनिंग, जब वहाँ रनिंग होती है तो वहाँ पे रनिंग अप्रोक्स 6 बजे से लेके अर्ली टू अर्ली 6 बजे से लेके और 10-11 बजे तक रनिंग होती है। तो आपको खुद नहीं पता है कि आप 6 बजे दौड़ा दिए जाओगे तो जी बेस्ट है, पर अगर आप 11 बजे दौड़ाए जा रहे हो तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि अभी क्लाइमेटिक कंडीशंस भी इतनी खराब हो रखी है कि लोगों लड़कों के बेहोश होने के केसेस रनिंग में, सर रनिंग में बेहोश होने के इवन मेडिकल फैसिलिटीज होती है, कैजुअलिटी के केसेस भी आ जाते हैं। तो मेरी सलाह ये है कि आप खुद को अभी से प्रिपेयर करिए, आप शुरू कर सकते हैं 7 बजे रनिंग से करने से लेके, लेकिन आप थोड़ा सा टाइम पीछे की तरफ भी लेके जाइए जितने में आप कंफर्टेबल हो, और एटलीस्ट रनिंग से 10-15 दिन पहले आप वो हार्ड धूप होती है जो 10 बजे वाली धूप होती है आप उसमें रनिंग करिए, और ताकि आपके शरीर को एक तरीके की आदत हो जाए, आप वहां पे जाएं तो आपको मेडिकल की जरूरत ना पड़े, कोई तरीके की मेडिकल इमरजेंसी ना आए वहां पे, तो आप 10 बजे रनिंग करिए और स्टेप बाय स्टेप इस पे काम करिए। रनिंग अभी इम्पोर्टेंट भी है और जरूरी इसलिए हो जाती है कि अब धूप बहुत ज्यादा है, इसमें आप जितना रनिंग करते हो आप सोचते हो कि यार मैं 6 बजे 4.8 किलोमीटर रनिंग कर रहा हूँ, लेकिन इस धूप में मेरे हिसाब से वो 3 किलोमीटर ही रह जाएगा। तो आप हर तरीके के टाइमिंग पे प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर आप अर्ली मॉर्निंग मिल गया तो आपके लिए ज्यादा बेस्ट है, आप ज्यादा आसानी से कर सकते हैं, ज्यादा चक्कर लगा सकते हैं, और अगर आपको 11-12 बजे मिला तो आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी होगी। अप्रोक्स 11 बजे तक लास्ट होता है, लेकिन अगर 10-11 बजे भी हुआ तो भी दिक्कत देगा, तो आप 10 बजे 11 बजे प्रैक्टिस करिए लास्ट के 15 दिन एटलीस्ट, मेरी सलाह ये है। ओके, तो ये बहुत काम की सलाह है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट है, तो आप लोग अपनी हर स्थितियों के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आज की डेट में आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है, तो चाहे कुछ भी हो जाए अल्टीमेटली आप तैयार रहिए और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोविजनल डिग्री से रिलेटेड है, तो हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं तो हम उसको नहीं लेते हैं। अरविंद कुमार जी का अगला क्वेश्चन है जो कि मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, हमने ऑलरेडी कंसीडर किया हुआ है कि सर अगर मेरी एग्जैक्ट हाइट 168 सेंटीमीटर है या उसके आसपास है विद अ माइनर डिस्टेंस इन्होंने लिखा हुआ है, तो कंसीडर कर सकते हैं या आउट कर देंगे? इसका जवाब मैं दे चुका हूँ कि अगर आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर आ रही है किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक स्केल में तो आप अंदर हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्केल को कोई झुटला नहीं सकता क्योंकि आपको वहां पे हाइट दिखाई भी जाती है। सर मैं आपको एक बात और बता दूं, जिनकी हाइट कम होती है या बिल्कुल बॉर्डर पे होते हैं तो उनकी हाइट उनको दिखाई भी जाती है कि आप देखिए सर आपका ये आ रहा है और आप कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो
अगर जो बिल्कुल बॉर्डर्स पे हैं 167 तक, उनको मैं पहले भी बता चुका हूँ और अब भी वही बात बोलूंगा कि आप छोटे मोटे चीट यूज करिए, क्योंकि हम पेपर में भी तो छोटे मोटे चीट यूज करते हैं। पहले मिरर इमेज का क्वेश्चन आता था तो पीछे से देख लिया कि किस तरीके की इमेज बन रही है, या इस तरीके की छोटे छोटे चीट यूज करते ही है। पहले तो काफी चीजें अलाउ थी तो सर बहुत सारे चीट चल जाते थे कि स्कूल टाइम पे कि एक्स पे कौन सा एंगल आएगा, तो अपना रख के देख लिया कि हाँ भाई ये वाला एंगल आ रहा है करके। तो ऐसी चीज वहां भी यूज करने हैं आपको, आपको अपना तलवा टाइट करना, आप खुद एक बार घर में प्रैक्टिस देखिए कि आप नॉर्मल खड़े होके और अपने तलवे को टाइट करके जब खड़े होते हैं तो उसमें कितना डिफरेंस आता है, पहली चीज। दूसरी चीज, छोटी मोटी चीज और भी आप यूज करते हैं, आप बाल बड़े कर सकते हैं जिनके बाल में कोई दिक्कत नहीं है, जेल भी यूज कर सकते हैं, माइनर छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं और आपको करनी भी चाहिए, बहुत से लोग करते भी है। तो जिनका बॉर्डर पे है आप जाइए, जरूर जाइए। 165 वाले को नहीं बोलूंगा मैं कि आप जाइए या नहीं जाइए, उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन जो 167 वाले हैं वो आप जाइए भी, छोटे मोटे चीट यूज कीजिए। मेरा मानना है कि अगर आप 10 लोग जाएंगे तो 10 में से 5 लोग सफल भी होंगे। ओके, तो आप लोग ट्राई जरूर करिए जिनका भी बाउंड्री लाइन केस है, बाकी तो जो होगा वो इसी टाइम डिसाइड होगा, लेकिन आप लोग जाइए जरूर। अगला क्वेश्चन किशन जी ने पूछा हुआ है, खैर काफी हद तक इसका जवाब हम दे चुके हैं कि सर यूपीएसआई में एड्रेस में बाय मिस्टेक हमीरपुर हो गया, एड्रेस गाजियाबाद का है मेरा, इसका कोई सलूशन? तो आई थिंक सलूशन ऑलरेडी है कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस एफिडेविट लेके जाइए, तो किशन जी आपका काम हो जाएगा। अगले भी कुछ क्वेश्चन जिनका आप, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बस इन शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, फादर का नेम गलत है या प्रोविजनल डिग्री आपको नहीं मिली हुई है, तो ये इन सारे इस तरह के हर चीज का सलूशन हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट प्लस एफिडेविट लेके आपको जाना है। अगला क्वेश्चन, फिल्म टाइम इन्होंने नाम लिखा हुआ है और उनका क्वेश्चन है कि क्या अदर स्टेट वालों को भी डोमिसाइल चाहिए होता है क्या? हाँ सर, अदर स्टेट वाले डोमिसाइल चाहिए होता है, उनको डोमिसाइल सबको लगेगा, चाहे स्टेट का हो चाहे अदर स्टेट का हो। बट आप लोग कास्ट, जो आप इसके एक साथ और मैं इसमें इंक्लूड कर लेता हूँ, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, अदर स्टेट वाले बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि मैं ओबीसी से हूँ, एससी से हूँ, मुझे क्या कैटेगरी एडवांटेज मिलेगा, तो मैं सबको ये बता दूं कि अदर स्टेट वाले सभी लोग उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में जनरल कैंडिडेट के तौर पर कंसिडर किए जाएंगे, आपको कैटेगरी का कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा। डोमिसाइल सबके लिए जरूरी है, सब लोग बनवाए, सब लोग लेके जाए, क्योंकि डोमिसाइल होता है आपका एड्रेस वेरीफाई करने के लिए, जो भी अगर फर्दर जो चीजें होंगी वो आपके एड्रेस के थ्रू होंगी, इसलिए आपको डोमिसाइल ले जाना सबको जरूरी है, चाहे आपका ज्वाइनिंग लेटर आना हो, चाहे आपका जो वेरिफिकेशन होना हो, पुलिस वेरिफिकेशन होना होता है, सबके लिए एड्रेस जरूरी होता है और एड्रेस वेरीफाई होने के लिए डोमिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप सबको डोमिसाइल लेके जाना। तो कुल मिला के अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको वैसे भी जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया गया होगा, लेकिन आप एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए अपना जरूर लेके जाएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन धर्मेंद्र सिंह और अनुज पटेल, इन दो लोगों ने पूछा हुआ है कि सर डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी भी अटैच करनी है क्या? डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी ऑलरेडी नोटिफिकेशन में आ गया होगा कि गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करानी है। अगर आप इनकेस किसी भी तरीके से अटेस्ट नहीं करा के ले जाते हैं तो वो खुद आपसे वहां कहेंगे आप इसको सेल्फ अटेस्ट कर दो, और आप सेल्फ अटेस्ट करके उस पे साइन लिखेंगे, सेल्फ अटेस्ट और साइन कर देंगे, तो भी वो उतना ही रोल प्ले करेगी जितना वेस्टेड ऑफिसर से कराएंगे। तो मेरी एडवाइस है कि अगर उसमें आया हुआ है तो आप करा लीजिए, नहीं आया हुआ है तो आपसे वहां करा लिया जाएगा। ओके, तो कुल मिला के अगर इन शॉर्ट हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आप लोगों के पास जो DVPSC का एडमिट कार्ड है उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में हमारे लिख सकते हैं, हम उसका आपको सही जवाब जो होगा वो हम डेफिनेटली प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके जाइए आप लोग, तो डेफिनेटली किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आज के सेशन में लगभग सारे क्वेश्चन ले लिए हैं। अब इस सेशन को फिनिश करने से पहले एज अ एक्सपर्ट जो टिप होनी चाहिए जितने भी बच्चे DVPSC और PT की आगे तैयारी कर रहे हैं, तो एज अ एक्सपर्ट टिप आप क्या बताना चाहेंगे बच्चों को जिससे उनको डेफिनेटली कुछ हेल्प मिले? एक तरफ से बताता हूँ इसमें मैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो गया और एक तरफ से मुझे लगता है कि मुझे सबको बताना भी चाहिए कि जैसे आपके पास कुछ कमियां हैं मेरे पास भी कुछ कमियां थी, ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि हर कोई भी आदमी परफेक्ट होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। तो मेरी सलाह ये है कि जब भी आप DV कराने जाएं अपने डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट बना ले, चेक कर ले डॉक्यूमेंट सारे हैं कि नहीं है। जैसा मैंने बताया कि
आपने पूछा कि गजस्टेड ऑफिसर से अटेस्ट होना चाहिए, तो मैंने बताया कि आप करा सकते हैं, नहीं कराएंगे तो आप वहाँ सेल्फ अटेस्ट करा लिया जाएगा, कोई बहुत बड़ी वो इशू नहीं है। अभी मैंने बताया कि अगर किसी भी तरीके की कोई कमी है तो आपको एक एफिडेविट लेके जाना, वहाँ एक एप्लीकेशन के साथ आपको कंसिडर कर लिया जाएगा, ठीक है। कुछ मेडिकल जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पीएसटी है, डीवी तो है इम्पोर्टेंट, आपको डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए, लेकिन पीएसटी भी इम्पोर्टेंट है और पीईटी। पीएसटी के लिए मैंने आपको बताया कि आपके अंदर अगर कोई कमियां हैं, आपको दो बार मेडिकल का चांस मिलता है, आप दोबारा री मेडिकल करा सकते हैं। आप अपनी कमियों को जाहिर ना होने दें, बिल्कुल भी जाहिर ना होने दें। अगर आप किसी तरीके से फ्लैट फुट हैं और डॉक्टर को नहीं पता है या डॉक्टर इग्नोर करना चाह रहा है, तो आप अपनी तरफ से इतना मत हड़बड़ाइए, घबराइए। आप फ्लैट फुट हैं, आप जाइए कि मेरा भाई चलो कोई बात नहीं, छोटा मोटा हल्का फुल्का चोरी जो हो सकती है आप छोटी मोटी चोरी करिए भाई, हम करते हैं इसे, इससे आपके फ्यूचर को लेके चूंकि इम्पोर्टेंट है, आप छोटी मोटी चोरी करिए, अपना पैर थोड़ा सा संभाल के ऐसे रखिए फ्लैट फुट में ना आए, ठीक है। या आपकी हाइट है तो मैंने आपको हाइट के लिए पहले ही आप लोगों को एडवाइस किया है कि आपको क्या करना है, जिनकी हाइट बाउंड्री लाइन पे है। ये बहुत ही एक एक्सपर्ट पर्सन थे जिन्होंने मुझे बताया था, पीटीआई थे सज्जन जिन्होंने मुझे बताया था, और मैंने इसका सर आउटकम देखा 0.5 सेंटीमीटर का, तो मैं खुद प्रमाण दे सकता हूँ इसको हाइट में। और क्योंकि हाइट नापने में इतना वेरिएशन होता है, इतना वेरिएशन होता है कि ट्रेनिंग सेंटर में जब मैं डीवी करा रहा था तब मेरी हाइट 168.2 एंड सो ऑन नप रही थी, और जब मैं ट्रेनिंग सेंटर पहुंचा तो 169.5 तक मेरी हाइट, इतना वेरिएशन रहा है। तो ये इसी तरीके से है कि आप अपना तलवे टाइट कर लें और छोटे मोटे हैक्स जो मैंने बताए हैं आप कर लें, तो आप उससे पीएचडी में कंप्लीट हो जाएंगे। पीएचडी में और जैसे आपका कलर ब्लाइंडनेस है तो आप छोटी मोटी प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको भी कलर ब्लाइंडनेस है तो नहीं, 6x6 आई है तो आप आई के लिए एंश्योर हो सकते हैं लैसिक लेजर करा के और इन सब चीजों से आई को लेके एंश्योर हो सकते हैं। हर चीज को पहले से एक एक चीज को एंश्योर कर लीजिए कि कोई कमी ना आए। अब आते हैं हम लोग पीईटी गया, पीएसटी में वैसे और कुछ है नहीं, आप अपने साफ करा लीजिए, ईयर साफ करा लीजिए, ईयर साफ होना बहुत जरूरी है क्योंकि एक्सपर्ट ईयर एक्सपर्ट आपको चेक करते हैं, तो आपके ईयर्स वगैरह साफ होना जरूरी है क्योंकि वो एक टोंग टाइप का लेते हैं और आपको सुनवाते आवाज आ रही है और आपके चारों तरफ घुमाते हैं, आपको बताना होता है, ठीक है। बहुत सपोर्टिव स्टाफ होता है वहां पे, अगर आप ये सोचे कि वहाँ कोई खराब पर्सन बैठा है या आपको बाहर करने बैठा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी छोटी मोटी कमियों को दूर कर इग्नोर भी किया जाता है क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया ये पब्लिक इंटरेक्शन की जॉब है, तो वो लोग भी देखते हैं कि आपका नेचर कैसा है। अगर आपका नेचर फ्रेंडली है, अच्छा है, तो वो लोग भी फ्रेंडली रहने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आप अगर जब फील्ड में जाओगे तो आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहोगे। अगर आपका थोड़ा सा स्टबॉर्न टाइप का जिद्दी टाइप एटीट्यूड है, हार्श एटीट्यूड है, तो वो वहां देख लेंगे और आपको कम सपोर्ट करेंगे। तो आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखिए। छोटी मोटी चीजें हैं, छोटे मोटे हैक्स है, आप की अंदर कोई कमी है तो मेरी एडवाइस है कि एक्सपर्ट की एडवाइस ले लीजिए। आप जाइए, आपके सर ये कैसे ठीक हो सकता है, अगर आप उसमें 50% इम्प्रूवमेंट अपनी तरफ से कर लोगे तो 50% सपोर्ट तो वहां मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। अब रनिंग के लिए मैंने बता दिया आपको कि रनिंग करना है तो रनिंग का जो राउंड है वो सर्कल पूरा होने के बाद ही काउंट करना, उससे पहले नहीं काउंट करना है। कुछ लोग चने या कुछ इस तरीके की चीज ले जाते हैं, 12 राउंड होते हैं, चने या इस तरीके की चीज ले जाते हैं काउंटिंग के लिए और एक एक करके थ्रो करते हैं, लेकिन जो भी करना है वो अपना एक सर्कल पूरा करने के बाद ही स्टार्ट करना है कि हाँ पहला सर्कल कंप्लीट हुआ। ऐसा नहीं कि आपने रनिंग करना चालू किया और वन काउंट कर लिया, क्योंकि आप शुरू में ही अगर वन काउंट कर लोगे तो एक सर्कल पूरा करोगे आप टू काउंट कर लोगे और 11 चक्कर लगाओगे। ऐसे बहुत सारे कॉमन केसेस हैं, बहुत कॉमन केसेस है कि नंबर बहुत अच्छे थे, सब बहुत अच्छा था, लेकिन 11 ही चक्कर लगाए, समय भी था। तो इस तरीके की घड़ी सब लोग ले जाइए, स्टॉप वॉच कोई मना ही नहीं है, आप स्टॉप वॉच लेके जाइए और उसको देख के रनिंग करते रहिए, ठीक है। और आप थोड़ा सा हार्श एटमॉस्फेयर में कोशिश कीजिए रनिंग करने की, अभी थोड़ा सा अपने लिए कंफर्टेबल हो कि भाई आप 6 चक्कर लगा पा रहे हो तो 6 चक्कर लगाइए, 8 चक्कर लगा पा रहे हैं 8 चक्कर लगाइए, और पहले दिन आप जितने ज्यादा चक्कर लगा लो रनिंग का मुश्किल दिन होता है, आप पहले दिन तो 6-8 चक्कर लगा लोगे लेकिन तीसरे चौथे दिन आपसे नहीं लगेंगे। तो लेकिन अगर आप तीसरे चौथे दिन लगा लोगे तो आप पहले से तैयार रहोगे कि मैंने यार पहले दिन 8 चक्कर लगाए थे तो तीसरे दिन अब मैं इसे घटने तो नहीं दूंगा, ये ह्यूमन टेंडेंसी है।
ठीक है, तो आप ये सब करिए जो है। और रनिंग वालों के लिए स्पेशल एडवाइस, डाइट में चेंज लाइए, जंक फूड अवॉइड कीजिए, कोशिश कीजिए कि कुछ ऐसा खाएं जिससे जो मोटे लोग हैं उनका वजन ना बढ़े और इवन कुछ घट जाए तो अच्छा है, घटते वेट के साथ रनिंग और अच्छी हो जाती है। और मैंने एक सर एक और चीज बतानी थी कि जब रनिंग करें तो आपका जो पेट पकड़ता है एक तरफ पकड़ता है, कॉमन समस्या है ये, किसी ने नहीं पूछी, तो उसके अपोजिट हैंड को आप बाइंड कर लीजिए और उसको बांध के ही दौड़िए, और तब तक दौड़िए, आप कोशिश कीजिए कि आप ना रुकें जब तक वो पेट दर्द गायब नहीं हो जाता। 2-4-5 बार ऐसा होगा उसके बाद वो पेट दर्द आएगा ही नहीं कभी। मुंह सूखने वालों के लिए टॉफी मेरी एक एडवाइस थी कि चार, लेकिन ऐसा नहीं कि दौड़ जाते दौड़ना शुरू किया और तुरंत टॉफी ले ली, ये नहीं, ये एक इमरजेंसी में की चीजें हैं। और गर्म पानी से अपने पैर धुलिए, थोड़ा सा मालिश करिए रनिंग करने के बाद, क्योंकि मेरी एडवाइस ये कि आप एटलीस्ट दोनों टाइम रनिंग कीजिए, तो पैर भारी भी होंगे काइंड ऑफ, कुछ लोगों को स्वेलिंग भी आएगी, तो इसके लिए आप ये सब कर सकते हैं। और बाकी आप आइए, बहुत अच्छी जॉब है, जो लोग कहते हैं कि नहीं ये है वो है, मैं आपको बता दूं बहुत अच्छी जॉब है, पब्लिक में बहुत रिस्पेक्ट मिलता है आपको। शायद मुझे नहीं लगता सर बहुत सारी जॉब्स जो इससे इसके इक्विवेलेंट है या इससे हायर है, वो पहली चीज तो पावर्स, आपके पास बहुत सारी पावर्स हैं, बहुत सारे बहुत लिमिटेड जॉब्स हैं जो इस तरीके की पावर देती हैं। एक एक होता है हीरोइक फील होता है सर, जब आप कहीं खड़े होते हैं बहुत सारे लोगों में तो आपको सब लोग देख रहे होते हैं। अभी भी सर मैं जैसे रास्तों में भी जाता हूँ, कहीं गाड़ी वाड़ी जा रहा होता हूँ, तो मुझे सर अब एक हैबिट डेवलप करनी पड़ गई लोगों को इग्नोर करने की, क्योंकि देख रहे होते हैं सर, थोड़ा ऑड लग रहा होता है। तो इस तरीके की चीज है कि आपको अटेंशन बहुत मिलता है लोगों का, तो ये सारी चीजें हैं। आप एक इसके लिए मतलब चाहते हो कि आपको ये सब जिंदगी में मिले और आप ये सब अचीव करना चाहते हैं, तो आप आइए, मोस्ट वेलकम है। कोई आपको अगर भ्रमित करे बहुत खराब जॉब है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारे सर पुलिस वाले खराब होते हैं, तो मैं कहता हूँ कि अगर आप नहीं आएंगे तो पुलिस अच्छी कैसे होगी, अगर सब अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो पुलिस अच्छा कैसे होगी, और एक अच्छे पुलिस वाले और खराब पुलिस वाले क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं हमारे समाज में, ये सर मैंने सामने से देखा। मैं क्योंकि कुछ रीजंस की वजह से वो मैं यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ, लेकिन एक अच्छे पुलिस वाले और एक खराब पुलिस वाले में समाज में सर बहुत मेजर डिफरेंस करते हैं। मैं अपने कुछ लोगों की तारीफ करूंगा उसमें लेके, कि कुछ लोग हैं जो करते हैं और लोग उनसे इतना खुश होके जाते हैं, इतना खुश होके जाते हैं, और कुछ चूंकि पुलिस वाले हैं जो नहीं बोलना चाहूंगे बाकी बात है, तो वो खराब है तो उनसे लोग दुखी भी रहते हैं सर, पब्लिक दुखी रहती है। तो मेरा मानना है कि अच्छे लोग आइए, आप लोग का मोस्ट वेलकम है, तभी ये विभाग भी और अच्छा होता जाएगा। अच्छा है विभाग, आपसे अगर कोई कहे कि खराब है तो बिल्कुल मत मानिएगा, और मोस्ट वेलकम है आपके लिए, और बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से सबके लिए। तो बहुत वैल्यूएबल एडवाइस थी लास्ट में, तो गैलेक्सी क्लासेस की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपके कोई भी डाउट अभी भी बचते हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उनका सही जवाब देने की। और बाकी विशिंग यू ऑल अ बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स रोहित, आप आए और आपने समय दिया और बहुत ज्यादा वैल्यूएबल एडवाइस दी हमारे स्टूडेंट्स को, सो थैंक्स अ लॉट।